विकास गोल्डन ग्रामर बुक टू चैप्टर नंबर 19 एम इज एंड आर। वी यूज एम इज एंड आर टू शो द प्रेजेंट। हम प्रेजेंट यानी वर्तमान को निर्देशित करने के लिए एम इज एंड आर का यूज करते हैं। Read the sentences. I am happy. He is happy. She is happy. It is happy. The dog is happy. We are happy. You are happy. They are happy. And last, the children are happy. इन सभी सेंटेंसों को गौर से देखने पे आपको समझ में आएगा एम एम किसके साथ यूज होगा, आई एस इज किसके साथ यूज होगा और ए आर ई आर किसके साथ यूज होगा। तो यहाँ पहला सेंटेंस है आई एम हैप्पी, तो एम जो है वो आई के साथ यूज होगा। उसके बाद है इज, तो यहाँ पर इज ही के साथ He is happy, she के साथ she is happy, it के साथ it is happy और लास्ट में दिया है the dog is happy। तो इस तरह ये is is जो है वो singular के साथ use होता है, means के जो single होता है एक ही होता है उसके लिए is use होता है। और नीचे है are, आर वी के साथ यूज किया है वी आर हैप्पी, यू के साथ यूज किया है यू आर हैप्पी, दे के साथ यूज किया है दे आर हैप्पी एंड लास्ट में द चिल्ड्रन आर हैप्पी। तो यहाँ चिल्ड्रन है जो कि प्लूरल है इसलिए आर यूज किया हुआ है। इन शॉर्ट ए आर ई आर जो है वो प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा जब हो तो उसके लिए यूज होता है। और यहाँ जो यू के साथ आर यूज किया हुआ है वो यू चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसके साथ हमेशा ए आर ई आर ही आता है। तो इस तरह आपको ये सब बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एम इज और आर। पहला है आई ब्लैंक 10 years old टूडे, मैं आज खाली जगह मैं आज 10 साल का हुआ। तो यहाँ पर आई है इसलिए उसके साथ आएगा एम। नेक्स्ट है ही ब्लैंक इन द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में है तो यहाँ एच ही के साथ आएगा इज, ही इज इन द लाइब्रेरी। उसके बाद तीसरा है माई सिस्टर ब्लैंक इन द किचन, तो यहाँ माई सिस्टर सिंगुलर है इसलिए यहाँ ब्लैंक में आएगा इज, माई सिस्टर इज इन द किचन। उसके बाद फोर नंबर में है वी ब्लैंक बिजी विथ अवर होमवर्क, हम हमारे गृह कार्य में व्यस्त हैं। तो यहाँ वी यहाँ प्लूरल है इसलिए यहाँ आएगा ए आर ई आर, वी आर बिजी विथ अवर होमवर्क। उसके बाद अगला है फिफ्थ नंबर में द मंकीज ब्लैंक ऑन द ट्री, यहाँ पे मंकीज प्लूरल में है इसलिए यहाँ ब्लैंक में आएगा ए आर ई आर, द मंकीज आर ऑन द ट्री। उसके बाद सिक्स नंबर में है दिस एप्पल ब्लैंक वेरी स्वीट, यहाँ पे दिस एप्पल है मीन्स के सिंगुलर है इसलिए ब्लैंक में आएगा आई एस इज, दिस एप्पल इज वेरी स्वीट। लर्न दिस, वी यूज एम विथ आई, हम आई के साथ एम यूज करते हैं। वी यूज इज विथ ही सी इट और सिंगुलर नाउन, हम ही सी इट और कोई भी सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन नाम के साथ इज यूज करते हैं। उसके बाद है आर,
We use are with we, you, they or plural nouns. हम, we, you, they और कोई भी बहुवचन नाम जो है उसे उसके साथ आर यूज करते हैं। तो लास्ट में हमने जो लर्न दिस देखा वो आपको ध्यान से देखना है और उसे हमेशा अपने दिमाग में रखना है। आप देख सकते हो कि इस तरह हमें ब्लैंक को फील करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर अगला वीडियो आपको जल्दी पहले चाहिए तो नोटिफिकेशन बार पे क्लिक करो।